ये एक नॉर्मल चेयर है, नहीं सॉरी ये एक टेबल है, सॉरी अगेन ये एक टेलीविजन यूनिट है। वेट, व्हाट इज हैपनिंग? हेलो, दिस इज मधु शर्मा, एन आर्किटेक्ट। आई हैव डिजाइंड अ मल्टीफंक्शनल फर्नीचर व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू 14 डिफरेंट शेप अकॉर्डिंग टू द यूजर्स नीड। इजंट दैट ऑसम? इसका मतलब ये है कि अब हमको हर चीज के लिए अलग अलग फर्नीचर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक फर्नीचर काफी मल्टीपल काम कर सकता है। सो लेट्स सी व्हाट इंस्पायर्ड मधुर। यह कहानी शुरू हुई स्कूल से, जब मैं और मेरा दोस्त आर्यन साइंस एग्जीबिशन में बहुत ज्यादा एक्टिव रहते थे। कभी वो फर्स्ट आता और कभी मैं, और हमेशा हमारा कंपटीशन फर्स्ट सेकंड का होता, और एक दूसरे से जीतने के लिए हम हमेशा एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी करते थे, बट दैट वाज यूज्ड टू बी वेरी हेल्दी कंपटीशन। और फिर अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद मधुर को समझ आया कि उनको कुछ भी क्रिएट करने में बहुत प्राउड फील होता है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो आर्किटेक्ट बनेंगे। जब मैंने आर्किटेक्चर स्कूल ज्वाइन किया 2016 में, उस टाइम मुझे लगता था कि हमारा काम सिर्फ बिल्डिंग डिजाइन करना होता है, बट मेरा ही माइंडसेट चेंज हुआ मेरे कॉलेज के डायरेक्टर प्रोफेसर विवेक सवरवाल सर के एक सेमिनार से, और मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ फर्नीचर डिजाइन में। उसके बाद मैंने फर्नीचर डिजाइन करना शुरू किया। मधुर के हॉस्टल का कमरा इतना छोटा था कि उसमें सारा फर्नीचर अकोमोडेट होना इम्पॉसिबल था, तो उन्होंने सोचा ऐसी प्रॉब्लम तो बहुत सारे और भी लोगों को आती होगी, और तभी उनको आइडिया आया एक ऐसा फर्नीचर बनाने का जिसके मल्टीपल यूजेस हो। जब मैं कॉलेज के सेकंड ईयर में था, थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए कंपटीशन लॉन्च हुआ फर्नीचर डिजाइन का, बट थर्ड ईयर के पार्टिसिपेट ना करने की वजह से मुझे पार्टिसिपेट करने का चांस मिला, और मैंने ये डिजाइन वहां प्रेजेंट किया। मधुर को इसका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला, पर तब भी उनको इस कॉम्पिटिशन से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। जजेस ने यह बोलकर डिस्क्वालीफाई कर दिया कि ये काम थर्ड ईयर स्टूडेंट्स का नहीं हो सकता। टू बी ऑनेस्ट, एट दैट मोमेंट आई वॉज नॉट फीलिंग बैड फॉर मी, आई वॉज फीलिंग बैड फॉर माई डायरेक्टर, बिकॉज दे रिजेक्टेड अस, बट जजेस के ये डिसीजंस हमें आगे काम करने से नहीं रोक सकते थे, और हमने इस डिजाइन पर आगे काम किया। तब मधुर को समझ आया कि ये उनकी स्टोरी का एंड नहीं हो सकता, और उन्होंने इस आइडिया पे और ज्यादा काम करना स्टार्ट कर दिया। यह डिजाइन काफी आर्किटेक्चरल मैगजीन्स में पब्लिश हुआ, जर्नल्स में पब्लिश हुआ, और हमारे पास मेल्स आने लगे कोलैबोरेशंस के लिए, वर्कशॉप्स के लिए, और लोगों ने इसे बहुत अप्रिशिएट किया। मधुर ने कॉलेज के बाद सुबह शाम दिन रात एक करके मेहनत करी, और फाइनली 2 साल के बाद उन्होंने अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट कर दी, जिसके अंडर उन्होंने 10 फर्नीचर डिजाइन किए, जिसमें से 7 मल्टीफंक्शनल हैं। आज हमारे पास पैन इंडिया से ऑर्डर्स हैं, इंटरनेशनली भी हमारे पास कनाडा से, यूके से, यूएसए से ऑर्डर्स हैं। इतना ही नहीं, मधुर इंडिया के अलग अलग कॉर्नर्स में जाके फर्नीचर डिजाइन की वर्कशॉप भी कंडक्ट करते हैं, जिससे और लोग इंस्पायर हों। डिजाइन को मल्टीफंक्शनल बना के हमने एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को भी टारगेट किया। एट द एंड लकड़ी आती है ट्रीज से, जितने ज्यादा फर्नीचर बनाए जाएंगे उतना ज्यादा पेड़ काटे जाएंगे। इस फर्नीचर को बनाने के लिए 1 क्यूबिक फीट ऑफ वुड हम यूज करते हैं, और लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज करके इसे बनाया जाता है। तो अब देखते हैं कि ये फर्नीचर किन 14 आर्टिकल्स में कन्वर्ट हो सकता है। This multifunctional furniture assembly can be converted into 14 different type of furnitures. For example, Z-shaped chair, normal chair, low floor sitting for single person, low floor sitting for double person, coffee table, center table, settee, corner table, plant enclosure, double plant enclosure, bench, TV unit and corner plant enclosure. है ना एकदम नया आइडिया? तो अगर आपको मधुर से कांटेक्ट करना है तो आप इस ईमेल आईडी पे जाके उन्हें एक मेल कर सकते हैं। ऑल्सो हमें मधुर के मल्टीफंक्शनल फर्नीचर बनाने का आइडिया बहुत ही अच्छा लगा, इसीलिए उनका इनोवेशन हम आपसे इस वीडियो के थ्रू शेयर कर रहे हैं। दिस इज नॉट अ पेड प्रमोशन। सो अगर आपको भी मधुर के मल्टीफंक्शनल फर्नीचर बनाने का आइडिया अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बारे में बताइएगा। That's it for this video. See you next Wednesday. हम ऐसे ही environment awareness पे films बनाते हैं। तो अगर आप environment को लेके थोड़ा सा भी serious हैं और उसे save करना चाहते हैं, तो आप EcoFreaks नाम के Facebook group को join कर सकते हैं। इसमें हम ऐसे लोगों की community बनाना चाहते हैं जो environment के betterment के लिए कुछ कर रहे हों। तो अगर आप किसी ऐसे को जानते हैं या आप खुद कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो आप इस group में जाके post कर सकते हैं, so that और लोगों को इसके बारे में पता चले। Link description में mention है। Thank you and take care.